उसका यही हो सकता है कि अगर ऐसे कोई पीस आपने लिया है जो अपना आप एक चरस उठा के दूसरी तरफ देन यू पुट अप सम टू न्यू चेयर्स इन द रूम सो दैट विल एक्ट द डिजाइन इन द रूम एंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स कि कुछ अरसे के बाद जो है कुछ चेंज आए अब चेंज ऑफ कोर्स सारे दिस वन थिंग जिसमें आप चेंज ला सकते हैं बट व्हेन यू वांट टू चेंज द कर्टन इन द रूम और द ब्लाइंड रूम एंड फैब्रिक ऑफ द सोफा ऑटोमेटिकली एक कलर स्कीम चेंज होती है तो रिफ्रेश हो जाता है बिल्कुल सही कमरा इसी हवाले से जब हम डाइनिंग टेबल और उसका फर्नीचर जो चेयर्स का होता है उसके बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो एक तो डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड होता है क्योंकि एक तो कल्चर है कई जगहों पे अगर चाइनीज कल्चर को देखा जाए तो उनका टेबल डाइनिंग का डिफरेंट होता है लेकिन हमारे यहाँ जो मोस्टली यूज किया जाता है वो एक और स्टाइल में होता है तो उसमें एक तो साइज का बैलेंस रखना बड़ा जरूरी होता है कि आपने उसके लिए स्टैंडर्ड रखा होता होगा और वो ये होता है कि जी फूड आपकी पच जाए आपने सिर्फ उसको ब्यूटी के लिए ना बनाया आपके बैठने के लिए वो कंफर्टेबल हो तो क्या चीजें आप सामने रखते हैं उसको मोस्टली जो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से जो ना मोस्टली विद द साइज ऑफ फैमिलीज एट पीपल डाइनिंग इज रिकमेंडेड इन द हाउस आठ का डाइनिंग यूजली होता है अपना उसके अंदर अपना वी ट्राई के इफ द टॉप इज सॉलिड उसके ऊपर आई वी पुट अ ग्लास टॉप और आजकल फिनिशेज आर अवेलेबल विच आर वाटर प्रूफ फिनिशेज तो हम भी ट्राई के उस तरह की फिनिशेज कस्टमर को आगे क्योंकि बिकॉज जो सर्विंग्स दे रहे होते हैं मोस्टली दे आर हॉट सर्विंग्स तो पॉलिशेज या फिनिशेज ऐसी चीज होती है अगर आप उस पर कोई गर्म चीज रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ अरसे के बाद वो फेड आउट होनी शुरू होगी या वो निशान पड़ने शुरू होगा बिल्कुल सही तो बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई साहब आपका आपका वीडियो पैकेज भी हमारे नाजरीन ने देखा आई होप कि उनको बहुत पसंद आया अगर वो आपकी आउटलेट को जाके विजिट भी करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का ओके व्यूअर्स